हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कल आपको हमने टेलर्स के प्रिंसिपल्स पे चर्चा की थी और मैंने उस पर बार बार एम्फेसिस किया था, ये जोड़ दिया था कि टेलर्स ने टेक्निक्स भी दिए हैं हाउ टू यूज द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। टेलर सेज टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय द एफ डब्ल्यू टेलर। अब ये फर्स्ट टेक्निक इनका है फंक्शनल फोरमैनशिप। एक्चुअली टेलर का जो ये प्रिंसिपल्स है और टेलर ने जो अपना अनुभव किया वो एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सुटेबल है और ये जो फर्स्ट टेक्निक्स है ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है। इसमें टेलर ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम 8 फोरमैन होने चाहिए, 8 फोरमैन जो वर्कर्स को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। फोरमैन मीन्स वर्कर्स के ठीक ऊपर जो इंचार्ज होते हैं। तो टेलर ने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक फैक्ट्री में 8 फोरमैन होना चाहिए, तो निश्चित रूप से ये बड़े फैक्ट्री और बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल है और निश्चित रूप से ये प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। तो इसके लिए टेलर ने सबसे पहले कहा कि 4 प्लानिंग इंचार्ज के अंदर होंगे और 4 प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर होंगे। तो प्लानिंग इंचार्ज के अंदर कौन होंगे? रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। तो इनके क्या फंक्शन होंगे? तो रूट क्लर्क के बारे में कहा जाता है कि ये स्टेप सीक्वेंस, यानी काम को किस स्टेप के बाद, कौन से स्टेप के बाद कौन सा काम करना है, इसका डिसीजन रूट क्लर्क करते हैं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो उसके काम करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन की जरूरत है वो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क देते हैं। थर्ड है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये इसी काम को कंप्लीट करने का स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा और उसमें एक्चुअल टाइम कितना लगा, ये इसको पूरी तरह से नोट डाउन करते हैं। और ओवरऑल डिसिप्लिन के माध्यम से काम सही समय पर पूरा हो, ये डिसिप्लिनेरियन का वर्क है। यानी प्लानिंग इंचार्ज के अंदर ये 4 फोरमैन आ गए। उसी प्रकार प्रोडक्शन इंचार्ज में एक गैंग बॉस जो पूरे काम को लीड करेगा, वर्कर के 10 वर्कर का एक लीडर होगा जिसको गैंग बॉस कहेंगे, ये सारे टूल्स टेक्निक्स को अरेंज करते हैं। सेकेंड है स्पीड बॉस, काम को कैसे सही समय पर पूरा किया जाए, उसमें जो ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, तो ये स्पीड बॉस इनको देखते हैं। थर्ड वन इज रिपेयर बॉस, जहां भी जरूरत पड़ती है, जब ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्री में वर्क काम होता है तो जहां रिपेयर की जरूरत है, जहां मशीन्स कहीं ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो ये रिपेयर बॉस उसको ध्यान में रखते हैं। एंड ई इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर जो ओवरऑल इस पूरे प्रोडक्शन इंचार्ज के माध्यम से इन तीनों के वर्क को सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं कि काम सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। इस प्रकार टेलर ने 8 फोरमैनशिप के द्वारा काम को नियंत्रण करने के लिए कहा। हालांकि इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हुए, बहुत सारे मैनेजमेंट ने कहा कि इतने अधिक फोरमैन हो जाएंगे तो काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, ये वेस्टेज ऑफ मनी है, ऐसा बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला है। लेकिन निश्चित रूप से बड़े फैक्ट्री में इसका लाभ भी मिलता है। सेकेंड टेक्निक्स टेलर का है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड नेचर का बनाना है तो निश्चित रूप से उसके रॉ मटेरियल भी स्टैंडर्ड नेचर के होने चाहिए, जिस मशीन से उस प्रोडक्शन को, उस प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, मशीन टूल्स इक्विपमेंट वो भी स्टैंडर्ड नेचर का होना चाहिए, और फिर जो वर्कर्स उसको हैंडल कर रहा है वो भी पूरे ट्रेंड होने चाहिए। तो एक प्रोडक्ट तभी स्टैंडर्ड नेचर का बन सकता है। इसमें से अगर एक भी एलिमेंट अगर ठीक नहीं है, स्टैंडर्ड नेचर का नहीं है, तो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड नेचर का नहीं हो सकता है। मटेरियल खराब है तो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड नेचर का नहीं होगा, या मशीन ठीक नहीं रहा, या फिर वर्कर उसको हैंडल नहीं कर पाया। इसलिए टेलर ने कहा कि इफ
यू वॉन्ट टू स्टैंडर्ड नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यू मस्ट फॉलो द स्टैंडर्डाइजेशन इन ऑल द रिसोर्सेज. सभी रिसोर्सेज को स्टैंडर्ड नेचर का बनाइए. एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. स्टैंडर्ड नेचर का होने के कारण अगर उसके जो प्रोसेस है वो सिंपल अगर है तो बहुत आसानी से उसको हैंडल किया जा सकता है. अगर उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए तो निश्चित रूप से उसको हैंडल करने में, उसको प्रोडक्शन गुड्स को बनाने में दिक्कत आएगी. इसलिए टेलर ने इसके ऊपर जोर दिया, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. जितना मैक्सिमम हो सके स्टैंडर्ड नेचर का करें और सिंपल ऑपरेशन उसका होना चाहिए. थर्ड टेक्निक काफी इंपॉर्टेंट है जिसको टेलर ने वर्क स्टडी. उन्होंने कहा कि जब हम एक फैक्ट्री में काम करते हैं और जो वर्क कंप्लीट होता है उसकी एक प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए कि वो काम किस किस सीक्वेंस में हुआ और वहां पर कहां कहां वेस्टेज हुआ, उस वेस्टेज को कैसे रोका जा सकता था. तो इसके लिए उन्होंने चार स्टडी के बारे में बात की. फर्स्ट टाइम स्टडी. टाइम स्टडी में टेलर ने कहा कि हर एक काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना होगा और वर्कर उस वर्क को अगर उससे भी कम समय में पूरा करता है तो निश्चित रूप से वो इफिशियंट वर्कर है. तो ये जो टाइम स्टडी है, जो स्टैंडर्ड टाइम सेटिंग है, वो एक एवरेज वर्कर को लेकर किया जाता है कि एवरेज वर्कर इस काम को कितने समय में पूरा करेगा और उससे कम समय में पूरा करने वाले वर्कर को हम इफिशियंट वर्कर कहते हैं, उससे अधिक समय लेने वाले को इनइफिशियंट वर्कर कहा जाता है. यानी टेलर ने ऑर्गेनाइजेशन में इफिशियंट वर्कर एंड इनइफिशियंट वर्कर दो भागों में बांटा. इसकी भी क्रिटिसिज्म टेलर. सेकंड है मेथड स्टडी. यानी किसी काम को करने के कई मेथड हो सकते हैं. वेरियस अल्टरनेटिव्स आर यूज फॉर डूइंग द और कंप्लीट द जॉब. विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल एट प्रेजेंट सिचुएशन. प्रेजेंट सिचुएशन के अनुसार कौन सा मेथड सुटेबल है उस मेथड को यूज करने का एडवोकेट टेलर ने किया. ठीक है, मैं जिस मेथड को यूज करते आ रहा था आज वो मेथड फीजिबल नहीं है तो मैं दूसरे मेथड को यूज करूंगा, या आज सिचुएशन बदल गया तो मेथड भी बदला जा सकता है. ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि जो मेथड यूज करते आ रहे हैं उसी मेथड को किया जाए. तो मेथड को भी बदला जा सकता है और टेलर का यही कहना था कि हमको बेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड की तरफ चलना चाहिए. नंबर सी में उन्होंने बताया फैटिक स्टडी. फैटिक का मतलब होता है थकान. ये बहुत अच्छा स्टडी था टेलर का. टेलर ने कहा कि जब एक वर्कर कंटिन्यूअस काम करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर थकान बढ़ती है और जैसे जैसे उसकी थकान बढ़ेगी उसकी काम करने की स्पीड कम होते जाएगी. तो टेलर ने कहा कि आपको स्टडी करना होगा एक वर्कर कितनी देर के बाद थकता है और फिर अपने उसी एनर्जी को रीस्टोर करने के लिए कितने समय उसको रेस्ट चाहिए. यानी टाइम ऑफ इंटरवल एंड टाइम ऑफ रेस्ट इंटरवल क्या होगा ताकि वो अपनी एनर्जी फिर से रिकूप करके और पूरी स्पीड से वर्क करे तो इफिशियंसी बढ़ जाती है. इसके विपरीत अगर हम लगातार उससे काम लेते हैं तो उसकी इफिशियंसी बहुत कम हो जाती है. तो टेलर ने कहा कि वर्कर के थकान का अध्ययन करिए, कितने देर के बाद वर्कर किस काम में थक जाता है और फिर टाइम इंटरवल, रेस्ट ऑफ टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए ताकि वो अपनी एनर्जी को रिकूप करके फिर से पूरी इफिशियंसी में वर्क कर पाए. उसी प्रकार फोर्थ उन्होंने मोशन स्टडी. मोशन का मतलब होता है जब हम एक काम करते हैं तो हम कई स्टेप लेते हैं. अब उस स्टेप में कितने वेस्टफुल स्टेप्स हमारे हैं तो इसका एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक राजमिस्त्री जो दीवार खड़ा कर रहा है तो उसको दीवार खड़ा करने के लिए ईंट चाहिए, सीमेंट और बालू का मिक्सचर चाहिए और पानी चाहिए. और तीन चीजों को मिलाकर ईंट की जोड़ाई करता है, दीवार जोड़ता है. अब एक राजमिस्त्री अगर अपना काम कर रहा है और वो एक जगह बैठा हुआ है, एक हाथ बढ़ाकर वो ईंट ले सकता है,
एक हाथ बढ़ाकर वो मिक्सर ले सकता है, एक हाथ पर उसको उसी जगह पर पानी भी अवेलेबल है, तो निश्चित रूप से उसके जो इस वर्क की स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। अदरवाइज अगर उसको ईंट उठाने के लिए दो कदम चलने पड़ते हैं, तो ये जो दो कदम वो चल रहा है वो उसका वेस्टफुल मोशन हुआ, इसकी कोई उपयोगिता नहीं बनी और उसकी थकान भी इसमें बढ़ी। इसलिए टेलर ने कहा कि हर काम को करने का एक मोशन का स्टडी होना चाहिए, उसके लिए स्टॉपवॉच और कैमरे की यूज करिए और फिर उसको वेस्टफुल मोशन जितने भी हैं उसको एलिमिनेट करने का प्रयास कीजिए ताकि उस काम की स्पीड बढ़ाई जा सके। फोर्थ टेक्निक टेलर ने दिया, डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम। जैसा भी हमने आपको बात किया कि टेलर ने कहा कि टाइम स्टडी के आधार पर इफिशियंट एंड इनइफिशियंट वर्कर में डिफरेंशिएट किया जाए, यानी वैसे वर्कर्स जो काफी इफिशियंट हैं और बहुत स्पीड से वर्क करते हैं तो निश्चित रूप से उनको मोटिवेट करने के लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा सैलरी या वेजेस रिम्यूनरेशन दिया जाना चाहिए। लेकिन टेलर ने कहा कि नहीं, ठीक है इनइफिशियंट वर्कर है तो जो उनका मिनिमम वेजेस है वो तो निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए, लेकिन जो इफिशियंट वर्कर है उनको अलग से मोटिवेट करने के लिए, उनको और अच्छे काम करने के लिए अलग से कुछ बोनस की बात की। तो ये जैसे डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम में अगर टेलर ने कहा कि अगर 8 आवर्स के लिए 10 रुपए के रेट से 80 रुपीज पे किया जा रहा है तो स्टैंडर्ड टाइम किसी काम को करने का 8 आवर्स है, अगर कोई वर्कर 6 आवर्स में वो पूरा करता है तो उसको 80 रुपीज तो मिलेगा ही और 2 घंटे जो उसने सेव किया, जो सेव टाइम है 2 घंटे का, तो 2 घंटे में उसकी सेविंग 20 रुपए होती है, तो कम से कम उसका 50% यानी 10 रुपए वैसे वर्कर को मिलना चाहिए। यानी वर्कर ने जितने समय बचाया उसका 50% पेमेंट वर्कर को बोनस के रूप में, इंसेंटिव के रूप में दिया जाए ताकि अधिक से अधिक वर्कर अपनी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए आगे बढ़े। तो इस प्रकार डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम में इफिशियंट और इनइफिशियंट वर्कर के लिए अलग अलग सैलरी वेजेस रिम्यूनरेशन की व्यवस्था टेलर ने की है। फिफ्थ उन्होंने कहा मेंटल रिवॉल्यूशन। ये मैंने इसके पहले जब हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड बता रहा था प्रिंसिपल, उसमें मैंने बताया था आपको, उसी से मिलता जुलता है ये। मेंटल रिवॉल्यूशन का मीन्स हमारे सोचने का एटीट्यूड बदलना होगा। वर्कर्स का जो ये एक एटीट्यूड बन जाता है कि वर्कर्स हमेशा सोचता है कि हमारा एम्प्लॉयर हमको एक्सप्लॉयट कर रहा है, मुझसे बहुत ज्यादा काम करा रहा है, मुझे कम सैलरी दे रहा है, ये उसकी सोचने की जो एटीट्यूड है उसको बदलने की बात है। उसी प्रकार एम्प्लॉयर जो है वो समझता है कि वो उसका वर्कर काम नहीं करना चाहता है, तो ये कैसे बदलेगा। तो टेलर ने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि वर्कर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कराया जाए, वर्कर को ये बताया जाए देखो भाई आपने इतना काम किया और ये हमारा प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट है तो आप बोनस उसका एक पार्ट बोनस के रूप में वर्कर को निश्चित रूप से बांटना चाहिए, और अगर एक दूसरे से वो खुले दिल से बात करेंगे, बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, तो फिर वर्कर और एम्प्लॉई के बीच में जो एक दूरी बनी रहती है वो नहीं होगी। और टेलर ने यह भी कहा कि मेंटल रिवॉल्यूशन नहीं होने के कारण ही जो ट्रेड यूनियन है उसका फायदा उठाते हैं और एम्प्लॉयर को ब्लैकमेलिंग करते हुए वो वर्कर्स को बहकाते हैं, उनसे स्ट्राइक करवा देते हैं, जिससे किसी का भला नहीं होता है। वर्कर्स अगर ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक करते हैं तो ना तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का भला है ना ही वर्कर्स का है। विदेशों में हम जापान में चले जाएं, जापान में वर्कर्स स्ट्राइक पे जाते हैं, लेकिन वर्कर्स जब स्ट्राइक पे जाते हैं तो उनका हमेशा एक ध्यान रहता है कि किसी भी प्रकार से कंपनी का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए वो या तो अपने हाथों में ब्लैक रिबन बांधकर काम करते हैं अपना विरोध जताने के लिए, या उससे भी ज्यादा तो वो क्या करते हैं कि ठीक है एक प्रोडक्शन हो रहा है उसका एक छोटा सा पार्ट वो नहीं बनाते हैं, सारे पार्ट्स बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक छोटा सा पार्ट नहीं बनाते हैं जिसके कारण
वो पूरा मैसिंग कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो फिर इंप्लॉयर जब उनसे बातचीत करती है, जब उनके मांगे मान ली जाती है, तो छोटे से पार्ट को तुरंत बनाकर वो वर्क अपने इंप्लॉयर को कोई नुकसान नहीं होने देते हैं। यानी हम विरोध भी करें, हम अपनी डिमांड भी रखें, लेकिन उसका ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान ना हो, तो निश्चित रूप से ये दोनों के लिए बेहतर है। टेलर ने मेंटल रिवॉल्यूशन में यही समझाया है कि जब ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगा तो निश्चित रूप से वहां के वर्कर्स भी डेवलप होंगे, उनको भी अच्छी सैलरी मिल पाएगी। तो ये दोनों की सोच ऐसी होनी चाहिए। और इस प्रकार से ये पांच टेक्निक्स में टेलर्स ने समझाया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को कैसे यूज किया जाए, कैसे लागू किया जाए। तो ये सेकंड चैप्टर में आपको हमने दो प्रिंसिपल अभी तक पढ़ा दिया, फेवल्स का भी और टेलर्स के भी। क्योंकि आपके अकाउंट्स के बनाने में आपको समय लग रहा था, तब तक मैं दो आपको वीडियो अकाउंट बिजनेस स्टडीज पर दे दिया, और नेक्स्ट आपको मैं अकाउंट्स का एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का वीडियो नेक्स्ट क्लास में दूंगा।